हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास बेटा फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री विच वी हैव टू डू टुडे, अ पोल 6 मीटर हाई, तो दैट मींस वन पोल इज देयर 6 मीटर हाई एंड कास्ट शैडो 2√2 मीटर लॉन्ग, तो दैट मींस जो शैडो है वो मेरी ऐसे, ठीक है, दैट इज 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन इंक्लिनेशन इज, इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, दैट मींस मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, तो बेटा दैट मींस मुझे थीटा फाइंड आउट करना है ये वाला, ओके okay? अब बेटा देखिए, अगर क्योंकि वर्ड इंक्लिनेशन कहा है ना, तो मींस एंगल फाइंड आउट करना, अब मैंने ये देखा, मैंने देखा मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे बेस पता है, अगर मैं देखूं पी बाय बी देन इट इज टेन थीटा होता है ना, अब मैं कटिंग करूं 3 तो इट इज √3 टेन थीटा, ओके तो अब बेटा क्लियर कट है मेरे पास, फिर थीटा क्या हो जाएगा, अगर √3 मेरे पास थीटा की वैल्यू कब आती है 60 डिग्री पे, तो दैट मींस थीटा इज 60 डिग्री, बिकॉज वी कैन राइट हियर टैन 60, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60, ओके बेटा क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, लेट अस डू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड विद ट्रिग्नोमेट्री, ओके आपके एग्जाम्पलर में यही दिए हैं तो हमने सारे कर लिए हैं, अब हम डिफरेंट बुक से कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, लेट अस डू दैट। चलिए अच्छा एक मैं बात बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो 1-1 मार्क के मतलब और बनते हैं, साइन थीटा की वैल्यू याद रखिए, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0-1, आपके लिए हायर क्लासेस में आके हम बोलते हैं -1-1, आपने याद रखना है साइन थीटा की वैल्यू 0-1 के बीच में, अभी क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील करते हो इसीलिए, और कॉस थीटा की वैल्यू भी 0-1 आप अपने लिए याद रखिए, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इट विल नॉट बी मोर देन 1, ओके आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे कि वो 0 से लेस हो सकती है कि नहीं, 0 से लेस हो सकती है, वो हायर क्लासेस का पार्ट है, ठीक है, वो 1 से ज्यादा वाली पूछ सकते हैं, कम वाला कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि वैसे मैं आपको बता दूं +1 +2 में साइन मतलब हायर जितनी भी आगे हायर क्लासेस में जाओगे, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1-1 एंड कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1-1, ठीक है क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट दैट क्वेश्चन इज, इफ 2 cos 2 sin square theta इज x, 2 cos square theta + 1 इज y, then find x + 1, बिना इवेल्युएट किए हमें आंसर पता चल सकता है, कैसे बेटा, मेरे पास सीधा अगर मैं दोनों को ऐड करूंगी तो 2 common 2 into sin square theta + cos square theta 1 2 into 1 is 2 2 plus 1, आंसर 3 आना चाहिए, फिर भी हम लोग एक बार करके दिखा देते हैं, x की वैल्यू 2 sin square theta + y की वैल्यू 2 cos square theta + 1, 2 common लेंगे तो अंदर sin square theta + 1, आंसर क्लियर कट, ओके बेटा। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट वैल्यू क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cosecant square theta - 3 cot square theta, व्हाट वी हैव टू डू, टेक 3 common, व्हेन यू टेक 3 common तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बेटा प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग, आपने जो आइडेंटिटी याद की हुई है वो 1 cot square theta = cosecant square theta है, आप इधर जाओगे तो 1 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा, ओके तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर कट है यहाँ पर 3 into 1, आंसर इज 1, हाँ लेकिन अगर कॉट स्केयर माइनस कोसेकेंट स्केयर होता ना तो -1 आंसर, ठीक है बेटा क्लियर। नाउ द नेक्स्ट मेरे पास जो है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लेट अस सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ जो है सीकेंट स्केयर थीटा माइनस वन कॉट स्केयर थीटा, कीजिए कैलकुलेट। क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर दें या आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। यहां पर देखिए आपको कुछ सीकेंट स्केयर और माइनस वन के साथ कोई आइडेंटिटी बनती है, आपने किया हो ना, वन प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा, तो ये वन उधर चल जाएगा तो उसकी जगह क्या रह जाएगा, टेन स्केयर थीटा, तो इसकी जगह टेन स्केयर थीटा और कॉट स्केयर थीटा। आपको पता है टेन और कॉट कट जाता है, आंसर कितना आता है, वन, काम खत्म। ओके जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिया क्लियर हो रहा है बेटा? दोनों जिया को कह रही हूं, मनमीत, सक्षम, सृष्टि, वनिता, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने लगी, अगर सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू वन बाय थ्री है तो सीकेंट थीटा प्लस टैन बाय थीटा ये किसके इक्वल होगा? आपने आइडेंटिटी क्या की हुई है, आपको पता है सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा वो वन के इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू वन, आपको इसकी वैल्यू दी वन बाय थ्री, ये निकालना है, आंसर क्या आ जाएगा, थ्री, ये उधर जाके थ्री, मतलब कोई निकालने की जरूरत नहीं। याद रखो अगर किसी आइडेंटिटी में ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू वन बन रहा है, एक प्लस वाली दी है माइनस वाली निकालनी है, माइनस वाली दी है प्लस वाली निकालनी, सिंपल सा काम है, जो मैंने वैल्यू दी है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो बस। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, जैसे मान लीजिए कि कोसेकेंट स्केयर माइनस कॉट स्केयर, आपको प्लस दे दिया थ्री और मुझे कहा कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, आंसर सीधा वन बाय थ्री, रेसिप्रोकल कर, साइन कॉस में नहीं हो सकता क्योंकि साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा वन होता है, वहां माइनस तो होता ही नहीं है, सिर्फ इन्हीं दो क्वेश्चंस में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जो वैल्यू दिया उसका रेसिप्रोकल कर दो बस, सिंपल सी बात, प्लस दिया है तो माइनस निकालना है तो रेसिप्रोकल कर दो, माइनस दिया है तो प्लस वाली टर्म निकालनी, जैसे यहाँ प्लस वाली दी है तो माइनस निकालनी, मैं सीधा लिखूंगी वन बाय थ्री, मैं सॉल्व नहीं करूंगी उसको। ओके बेटा क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू, अब मुझे एक टर्म दिया और कहा है कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है बाकी टर्म्स में से, तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट अस सी। द वैल्यू गिवन इज वन प्लस कॉस केयर एक्स ओवर वन बाय सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखू, पहले तो सॉल्व करें ना, जब सॉल्व करेंगे अब वन प्लस कॉस केयर कुछ नहीं होता मेरे पास, आई नो इट वेरी वेल, है ना, नीचे वाले का एलसीएम ले लें वन या कॉस में चेंज कर दें, लेट अस कॉस केयर प्लस कॉस केयर, ओह सॉरी कॉस, अब एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लेते हो तो वन प्लस कॉस केयर एक्स, वेन यू टेक एलसीएम कॉस केयर एक्स प्लस वन, जो नीचे वाला कॉस है वो ऊपर चल जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आंसर कॉस एक्स आ गया, पहला काम होता है सिंप्लीफाई वाला, जब भी आए ना एक स्टेप अपने माइंड में याद रख लीजिए कि साइन कॉस में ही चेंज करना है, साइन कॉस टैन, टैन को भी बल्कि साइन कॉस में चेंज करो तो बेटर, कॉट को भी कॉस ओवर बस साइन में चेंज करो तो आंसर जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो है एक और है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, टू टैन एक्स सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन ओवर कॉस क्यूब
x, कीजिए जरा चेंज, क्या करेंगे हम यहां पर? अब यहां आइडेंटिटी लग सकती है मेरे पास, वन प्लस टैन स्केयर सिकेंड स्केयर के इक्वल होता है, तो ये टू टैन एक्स ये टैन स्केयर के इक्वल हो जाना, नीचे कॉस क्यूब के इक्वल है ना, जो मेरे पास ऑप्शंस अलग अलग दी हुई। अब यहां पर टू टैन क्यूब एक्स और वन बाय कॉस क्यूब को सिकेंड क्यूब एक्स, क्योंकि दिस ऑप्शन इज गिवन टू मी, आई कैन री राइट इट एज ओके। चलिए अब मैं आपको शो, आई विल शो यू द बुक, यू कैन स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर एट, एट नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ, लेट अस सी कि आप कर पाते हो कि नहीं। चलिए अरे आई थिंक दिस इज द बेटर ऑप्शन, विजिबल है सबको? हाँ जी बिसम, यू कैन टेल मी द क्वेश्चन नंबर एट, जल्दी बेटा बिसम ज्योत, आप पार्टिसिपेट नहीं करते आप लोग, बिसम ज्योत अनम्यूट योर सेल्फ, हरसिमरन 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 अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। यस मैम, टेल मी द आंसर ऑफ एट क्वेश्चन बेटा। मैम आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है, उससे इसका आंसर वन है, मुझे ज्यादा क्वेश्चन दिख रहा है। यस आंसर इज वन, बेटा ब्लर आनी नहीं चाहिए। देखिए अब बुक विजिबल है क्लियरली? यस मैम अब विजिबल है, आंसर इसका वन होगा। ओके वेरी गुड, सबका कैलकुलेट हो गया सबका बेटा, जस्ट थम्स अप इफ यू हैव कैलकुलेटेड इट। महक यस, हसीता यस बेटा, मैम बुक दिख नहीं रही बेटा, देखिए आप बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दो प्लीज। ओके 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 ओके, आई विल राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। हाँ जी क्वेश्चन नंबर एट था, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन ए प्लस कॉस के रे ओवर वन प्लस साइन ए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू टू कॉट थीटा इज इक्वल टू पी रूट थ्री, देन थीटा इज ए अक्यूट एंगल, फाइंड पी, आपको फाइंड पी करना है। नाउ द टेंथ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ के इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन ओवर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इलेवेंथ, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई जो है, लेट मी शो यू लीजिए, वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल्स, ओके देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दीज बोथ आर गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड, जल्दी जल्दी, लेट मी सी कि वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट।